नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम कृषि और नक्षत्र में, जिसमें आज हम आपको बताएंगे 19 फरवरी से 25 फरवरी तक कैसा रहेगा आपका भाग्य सितारों के मुताबिक। और सितारों के मुताबिक आपका भविष्यफल बताने के लिए हमारे साथ एक बार फिर स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित अमित पांडे जी, जो कि ज्योतिषी हैं। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो में। जी धन्यवाद आपका। जी तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कैसा रहेगा आपका भविष्य 25 फरवरी तक सितारों के मुताबिक। जानते हैं पंडित अमित पांडे जी से पहली राशि मेष राशि के बारे में। पंडित जी, मेष राशि का राशिफल बताएं। मेष राशि के अपने दर्शकों को बताऊं कि सप्ताह के शुरुआत में आपके अष्टम राशि में चंद्रमा गोचर कर रहा है। यहाँ पे देखने वाली बात है कि जब अष्टम में वैसे चंद्रमा जाता है तो थोड़ा सा परेशानियों का समय जरूर आता है, लेकिन यह अष्टम में बैठ करके द्वितीय भाव को पूर्ण दृष्टि से देख भी रहा है, एक सकारात्मक पहलू बन जाता है जिससे आपके मित्रों में आपका वर्चस्व बढ़ेगा। हाँ, काम काज में थोड़ा धैर्य रखने की आवश्यकता है, धैर्य से ही सफलता मिल सकेगी इस सप्ताह। और विशेष बात इस सप्ताह आपको ये देखना है कि अपने परिवार की समस्याओं को कतई अनदेखा ना करें, अर्थात उसको देखें, उसका सामना करें, उसको दूर करने का प्रयास करें। इस सप्ताह आपको उपाय क्या करना है, इस सप्ताह आप जौ के सत्तू का दान करें। जौ का सत्तू ना मिले तो जौ ही दान कर दें। और आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए लक्ष्मी सूक्त का यथाशक्ति यथासंख्या पाठ करें, श्रीयंत्र की पूजा करें। उपाय छोटे हैं लेकिन परिवर्तन यकीनन बड़े होंगे, जैसा कि पंडित जी आपको बता रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वृषभ राशि की। जानते हैं वृषभ राशि के सितारे क्या कहते हैं 19 फरवरी से 25 फरवरी तक। पंडित जी, वृषभ राशि का राशिफल भी बताएं। वृषभ राशि के अपने दर्शकों को बताऊं कि जैसा कि अब शनि की ढैया आरंभ हो गई है वृषभ राशि पे, लेकिन चिंता ना करें, अचानक लाभ होने के भी योग बने हैं। क्यों? क्योंकि इस सप्ताह आपके सप्तम भाव में चंद्रमा गोचर कर रहा है और सप्तम का चंद्रमा व्यापारिक लाभ देता है। इस सप्ताह आप यथाशक्ति किसी ज़रूरतमंद को, किसी भूखे इंसान को सूखे चावल आप या तो बना लें या कच्चे चावल दान कर दें। और माता महालक्ष्मी के मंदिर में जाकर के गुलाब के फूल, और गुलाब लाल रंग का हो, अर्पित करें, उनको समर्पित करें, लक्ष्मी नारायण की पूजा करें, आपको निश्चित रूप से लाभ प्राप्त होगा, आपका सप्ताह बहुत सुंदर बीतेगा। तो वृषभ राशि के जातक माँ महालक्ष्मी को लाल गुलाब अर्पित करें, उनका सप्ताह जो है वो शुभ बीतेगा। मिथुन राशि की बात करें, उससे पहले आपको बता दें कि अगर आप हमारे इस कार्यक्रम में अपना कोई सवाल पूछना चाहते हैं, पंडित जी से अपना भविष्य जानना चाहते हैं, तो अपने जन्म की तारीख, जन्म का समय और जन्म जहाँ पर आपका हुआ है वो स्थान लिखना ना भूलें। प्रश्न आप संक्षिप्त, छोटा और सही तरीके से लिखकर भेजेंगे तो उसका जवाब देना भी थोड़ा आसान होगा। इसके अलावा अगर आप अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि पंडित जी आपको आपकी कुंडली बना कर दें, तो स्क्रीन पर जो नंबर आप देख रहे हैं उस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली राशि मिथुन राशि की। पंडित जी, मिथुन राशि का राशिफल भी बताएं। मिथुन राशि के अपने दर्शकों को बताऊं कि सप्ताह इनके जो प्रेम प्रसंग है या ऐसे लोग जिनके विवाह अभी तक नहीं हुए हैं, उनके लिए यह सप्ताह काफ़ी अच्छा है, अर्थात अच्छे रिश्ते आएंगे, प्रेम प्रसंगों में सफलता मिलेगी। लेकिन इस सप्ताह थोड़ा सा लेन देन में सावधानी रखना है, किसे क्या देना है, कितना देना है, उसका एक आकलन करने के पश्चात ही कोई निर्णय ले। इस सप्ताह आप 11 छोटी कन्याओं का अर्थ यहाँ पे है 12 वर्ष तक की जो कन्याएं हैं, उनको आप भोजन कराएं, उनको आप कोई चॉकलेट बांट दें, नमकीन बांट दें, तो इससे आपको देखेंगे कि आर्थिक स्थिति में जो गिरावट है उसमें सुधार होगा, उसमें मजबूती आएगी। दूसरा उपाय क्या करना है, इस सप्ताह संकट नाशन गणेश स्त्रोत का पाठ करना है। तो मिथुन राशि वालों को इस सप्ताह जरूरत है गणेश जी का आशीर्वाद प्राप्त करने की, तो कीजिए गणेश जी की आराधना, आपको उनका आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली राशि कर्क राशि की। पंडित जी, कर्क राशि का राशिफल भी बताएं। कर्क राशि के अपने दर्शकों को बताऊं कि जब सप्ताह की शुरुआत होने जा रही, खासकर हमारे किसान भाइयों के लिए, इनके पंचम भाव में चंद्रमा गोचर कर रहा है। अब पंचम भाव में चंद्रमा गया तो है, लेकिन वह अपने नीच राशि का है, वृश्चिक का चंद्रमा है, तो ऐसे में आपको परेशान कर सकता है ये चंद्रमा। खास करके हमारे किसान भाइयों को कानूनी अड़चनों का सामना करना पड़ेगा, किसी सरकारी सहायता को प्राप्त करने के लिए काफ़ी बाधाओं को झेलना पड़ सकता है। हाँ, एक अच्छा पहलू यह है कि सप्ताह
आपका दाम्पत्य जीवन ठीक रहेगा। आप अपने चंद्रबल को ठीक करने के लिए, जो कि नीच राशि में गोचर कर रहा है पंचम भाव में, और आपका राशि स्वामी भी है, इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि चंद्रमा को ठीक करने के लिए शिव जी की आराधना की जाए। तो आप भगवान शिव की आराधना करें और ओम नमः शिवाय, जो कि भगवान शिव का ही शिव पंचाक्षर मंत्र है, इसका जप करें रुद्राक्ष की माला पे, तो आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। अभी आपने कहा कर्क राशि वालों के लिए कि चंद्रमा को मजबूत करने के लिए कुंडली में शिवजी की आराधना करें, दोनों का संबंध क्या है? संबंध तो इस देश में जो भी भगवान शिव के चित्र को देखता है उसको संबंध बताने की जरूरत नहीं रह जाती, क्योंकि उनके मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है। और वो भी चंद्रमा कौन सा है? वो द्वितीया का चंद्रमा है, मतलब शुक्ल पक्ष के दूसरे दिन का चंद्रमा है। यदि चंद्रमा का दोष जन्म कुंडली में किसी प्रकार का है, वह मारक है, वह आपके लिए पीड़ा देने वाला ग्रह है, खष्टेश है, एकादशेश है, अष्टमेश है, तो उसका शुभ फल प्राप्त करने के लिए हमारे ज्योतिष शास्त्र में शिव की ही आराधना का मार्ग प्रशस्त किया है। तो शिव की आराधना करने से चंद्रमा की कृपा प्राप्त होती है। कहते हैं प्रश्न में से ही प्रश्न निकलता है। एक और प्रश्न मुझे याद आया कि उनके मस्तक पर चंद्रमा कैसे विराजमान हुए, उनके मस्तक पर कैसे पहुंचे चंद्रमा? चंद्रमा के जो मस्तक पे भगवान भोलेनाथ के गए, ये चंद्रमा को एक विशिष्ट स्थान देने के लिए, ताकि क्योंकि इनका जो स्थान था इतना अच्छा था एक समय में देव सभा में, लेकिन अपने आदमी कहते हैं ना कि जब आदमी गलत रास्ते का चयन करता है तो सबसे पहले उसके यश नष्ट होते हैं, उसकी कीर्ति नष्ट होती है। तो चंद्रमा के कुछ गलत कर्मों के कारण जो है उनकी कीर्ति, उनका यश, उनका स्थान सब नष्ट हो गया और देव सभा से निष्कासित हो गए। तो पुनः स्थापित करने के लिए, पुनः मान सम्मान से प्रतिष्ठित करने के लिए भगवान भोलेनाथ ने उन्हें अपना सर पे धारण किया, ताकि जिन लोगों ने उनका निष्कासन किया था पुनः उन्हें उस स्वरूप में स्वीकार कर लें। बहुत अच्छा, बहुत सरल और सटीक उत्तर आपको पंडित जी ने बताया है कि चंद्रमा शिवजी के मस्तक पर क्यों विराजमान है और चंद्रमा को प्रसन्न करने के लिए शिवजी की आराधना क्यों की जाए। फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे बाकी की राशियों की, साथ ही लेंगे आपका सवाल भी, और उसके अलावा बात करेंगे एक और विषय पर कि सभी राशियों को क्यों ये चिन्ह दिए गए हैं। मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, 12 राशियों को ये चिन्ह क्यों दिए गए हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे। बने रहिए ग्रीन टीवी के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं कृषि और नक्षत्र, जिसमें हम आपको बताते हैं आपके पूरे सप्ताह का हाल सितारों के मुताबिक, ज्योतिष के मुताबिक कैसा रहने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली राशि सिंह राशि की। पंडित जी सिंह राशि का राशिफल भी बताएं। सिंह राशि के किसान भाई इस सप्ताह कुछ संपत्ति की खरीद फरोख्त कर सकते हैं, कोई खेत, कोई लैंड वो जो है खरीद सकते हैं, उसके योग जो है बने हुए हैं और उसके कारण इनके उन्नति का भी मार्ग प्रशस्त होगा। अर्थात सिंह राशि किसान भाई इस सप्ताह कुछ उन्नति के रास्ते पे अवश्य जाएंगे। हाँ, कोई यात्रा कर रहे हैं तो बेहिचक यात्रा करिए, आपकी यात्रा भी सफल होगी। इस सप्ताह चूंकि चतुर्थ भाव में आपके चंद्रमा गोचर कर रहा है, जिसके कारण से थोड़ा सा आपकी माता को शारीरिक कष्ट हो सकता है और आपके वाहन आपको परेशान कर सकते हैं, इसके लिए आप लाल चंदन को घिस करके अपने स्नान के जल में डालें, उससे स्नान करें और थोड़ा सा गायत्री मंत्र का जप कर लें। ये दो उपाय करने मात्र से आपका सप्ताह बहुत अच्छा बीतेगा। तो ये था सिंह राशि का राशिफल। आगे की राशियों पर चर्चा करें उससे पहले चर्चा करते हैं कि राशियां बनी कैसे हैं। जैसे मेष राशि को मेष राशि ही क्यों कहा जाता है, वृषभ को वृषभ क्यों कहा जाता है, इनको जो चिन्ह दिए गए हैं, वो आइकन्स दिए गए हैं, वो क्यों दिए गए हैं, इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। पंडित जी 12 राशियां जो बंटी हैं सबको चिन्ह दिए गए हैं, मेष, वृषभ, उन्हीं के हिसाब से नाम दिए गए हैं राशियों को, तो राशियों को ये चिन्ह किस तरीके से दिए गए हैं और क्या ये सत्य है ये बात कि राशियों का जो चिन्ह होता है वैसा स्वभाव व्यक्ति का भी होता है जिसकी वो राशि हो? देखिए, इसमें दो सवाल है। शायद एक सवाल या आप जो कह रहे हैं कि राशि के अनुसार स्वभाव हो, यह जरूरी नहीं है जी, क्योंकि स्वभाव जो है केवल राशि से नहीं देखा जाता है। स्वभाव के लिए लग्न, लग्नेश और लग्न पे पड़ने वाली ग्रहों की दृष्टि के अनुसार कहा जाता है, ज्योतिष के ये नियम है कुछ, उसके अनुसार व्यक्ति का स्वभाव बताया जाता है। हाँ, जो आपने दूसरा प्रश्न किया कि भाई मेष क्यों कहा गया, सिंह क्यों कहा गया, मिथुन, उसके बारे में बहुत स्पष्ट रूप से बता दूं आपको कि हमारे अंतरिक्ष में जो सितारे हैं, जो स्टार्स हैं, ये स्टारों के समूह के इस तरह के निर्माण करते हैं कि जो एक साइन बन जाते हैं। साइन
राशि को साइन कहते हैं अंग्रेजी में। साइन मतलब संकेत भी होता है और राशियां भी होती हैं, तो ये संकेत करती हैं उस चीज का जो वो है। जैसे जब मेष राशि की बात आती है तो जो इनका समूह है सितारों का, तो कहीं ना कहीं उसका जो स्वरूप निकल के आता है अंतरिक्ष में वो मेष जैसा आता है, मतलब भेड़े जैसा आता है। इसी तरह से जैसे जब बात कर्क की आए तो जो उस समूह का स्वरूप निकल के आता है वो केकड़े का आता है, कैंसर का आता है, वो कर्क राशि का है। इस तरह से धनु है, वृश्चिक है और मीन है, तो जो जिसका स्वरूप है वह वैसा सामने उसका संरचना अंतरिक्ष में दिखाई देती है, इसलिए वो दिया गया है। अब बात करते हैं कि स्वभाव की, जो आपने दूसरा प्रश्न किया, वह राशि के अनुसार नहीं, जैसे शारीरिक संरचना जो होती है, जो राशि लग्न में होती है कमोबेश उसी शारीरिक संरचना का व्यक्ति होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर बता दूं, तुला राशि, तुला राशि अर्थात कि दो भाग की बात होती है, मतलब दो तराजू होते हैं जो कि बीच में एक संतुलित करने का उसमें धागा लगा होता है, डोर बंदी होती है। तो यदि किसी जातक की तुला लग्न है, तुला उसकी मेन मतलब शरीर का स्वामी है, उसका मतलब मेन जो है तुला राशि है, तो ऐसे व्यक्ति का जो शारीरिक संरचना होगा वो दो हिस्सों में बटा होगा। अच्छा, स्वभाव नहीं संरचना, संरचना फिजिकल जो बनावट है लग्न से वो देखी जाती है, राशियों से वो देखी जाती है। स्वभाव के लिए तमाम चीजें एक मोटा तौर पे, हम जैसे किसी कुंडली कभी लगता है ये लग्न है या लग्न है, कन्फ्यूजन हो जाता है समय में, तो हम लग्न के अनुसार ही तय करते हैं कि भाई आपका जो शारीरिक मुखौटा जो आपका दिखाई दे रहा है, जो आपका चेहरा है, वो किस राशि से मेल खाता है, तो हम उसको कन्फर्म कर लेते हैं। अगर कोई व्यक्ति ज्योतिष के बारे में ठीक ठीक ढंग से जानता है, लग्नों के गुण को जानता है, उनके स्वरूप संरचना को जानता है, तो निश्चित रूप से वो बड़े आसानी से बता देगा कि आपकी लग्न कौन सी लग्न। हाँ बिल्कुल। तो पंडित जी ने आपको सीधा सरल और सटीक उत्तर दिया है कि चिन्ह क्यों दिए गए हैं राशियों को। और सबसे जरूरी एक बात जो पंडित जी ने आपको बताई कि लग्न आपका कौन सा है, ये आपकी शारीरिक संरचना देखकर भी बताया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली राशि कन्या राशि की। जानते हैं कन्या राशि के सितारे क्या कहते हैं 19 फरवरी से 25 फरवरी तक। पंडित जी कन्या राशि का राशिफल भी बताएं। कन्या राशि के वो लोग जो विद्यार्थी वर्ग से आते हैं उन्हें इस सप्ताह सफलता अवश्य मिलेगी, और इस सप्ताह आप पार्टी, पिकनिक, घूमने, अच्छा भोजन, इन तमाम चीज़ों का जो आनंद है आप प्राप्त करेंगे। इस सप्ताह अपने आप को ठीक रखने के लिए, प्रसन्न रखने के लिए, कोई संकट कोई परेशानी ना आए, इसके लिए आपको माँ दुर्गा की आराधना करनी चाहिए। और ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे, ये जो माँ का मंत्र है नवाक्षर का नवाण मंत्र, इस मंत्र को नमः पल्लव जोड़ करके इस मंत्र का जप 3 माला इस सप्ताह शुक्रवार के दिन अवश्य करें। तो ये था कन्या राशि का राशिफल। पूरे एक सप्ताह 19 फरवरी से 25 फरवरी तक आपका भाग्य कुछ ऐसा रहेगा। लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं कि आपका भाग्य कैसा रहने वाला है आगे, तो उसके लिए आप अपना सवाल इस कार्यक्रम में पूछ सकते हैं। इस कार्यक्रम में अपना सवाल पूछने के लिए आपको अपना डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ लिखकर हमें भेजना होगा। आप व्हाट्सएप कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप वाले नंबर पर। इसके अलावा अगर आप अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं पंडित जी से, तो स्क्रीन पर एक जो नंबर फ्लैश हो रहा है आप उस नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं, कुंडली के लिए संपर्क कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली राशि तुला राशि की। पंडित जी तुला राशि का राशिफल कैसा रहेगा पूरे सप्ताह? तुला राशि के अपने दर्शकों को बताऊं कि सप्ताह इनका बहुत अच्छा रहने वाला है, खास करके जो ये प्रयास कर रहे हैं वो सारे प्रयास सफल होंगे, वो सारे काम इनके अवश्य बनेंगे। और जब ये सफल होंगे तो उसका परिणाम ये होगा कि इनकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, इनका सम्मान बढ़ेगा, यश बढ़ेगा, धन प्राप्ति में भी सुगमता रहेगी इस सप्ताह, अर्थात आर्थिक तरक्की के जो प्रयास हैं बड़े आसान होंगे और बड़े ईजी गोइंग ये कर ले जाएंगे। हाँ, इस सप्ताह इन्हें माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए, माता महालक्ष्मी के मंदिर में घी दान करना चाहिए, वहाँ पे कुछ सेवा करनी चाहिए, और अपने राशि स्वामी को प्रसन्न करने के लिए ओम सुं शुक्राय नमः का जप करना चाहिए। तो ये था तुला राशि का राशिफल। चलिए बिना रुके आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगली राशि वृश्चिक राशि की। पंडित जी वृश्चिक राशि का राशिफल भी बताएं। इस सप्ताह आपके लग्न में ही चंद्रमा नीच का विराजमान है, जो कि तमाम मुश्किलों का कारण बन सकता है। पहला कारण क्या है, आप वाहन संबंधी कष्ट उठा सकते हैं, इसलिए वाहन सावधानी से चलाएं। परेशानियों का मुकाबला आपको करना पड़ेगा, तभी आप लक्ष्य की प्राप्ति सप्ताह कर सकते हैं।
तो पहली चीज़ तो आपको अपने मन को शांत रखना है, मन को ठीक रखने के लिए, घर का वातावरण ठीक रखने के लिए अपने घर में सायंकाल धूप का धुआं अवश्य करें, खास करके यदि गुग्गुल का धूप मिल जाए तो बड़ी अच्छी बात है। दूसरा उपाय करना है, आपको भगवान हनुमान की आराधना करनी चाहिए। निश्चित रूप से ये दो उपाय करने से आपका कल्याण होगा, मन भी आपका प्रसन्न होगा, ठीक होगा। तो वृश्चिक राशि वालों को इस सप्ताह करना है हनुमान जी को प्रसन्न। फिलहाल वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे बाकी बची चार राशियों की, साथ ही लेंगे आपके सवाल भी। बने रहिए ग्रीन टीवी के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम कृषि और नक्षत्र में, जिसमें हम आपको बता रहे हैं सितारों के मुताबिक आपका भविष्य कैसा रहने वाला है 19 फरवरी से 25 फरवरी तक। आगे की राशियों पर चर्चा करें उससे पहले अपने एक दर्शक का सवाल ले लेते हैं। हमारे पास एक सवाल आया है, रेनू है पंजाब से, इनका डेट ऑफ बर्थ है 18 जून 1993, समय है सुबह 7 बजे का और स्थान है पटियाला पंजाब। ये जानना चाहती हैं कि इनका भविष्य कैसा रहेगा। देखिए आपने जो डिटेल बताई है रेणु जी की, 18 जून 1993 सुबह 7 बजे पटियाला पंजाब का जन्म है। इनकी जो कुंडली बन के आई है मिथुन लग्न की कुंडली है और जन्म राशि है इनकी वृषभ। वर्तमान में राहु की महाशा चल रही है और राहु वृश्चिक राशि का होके छठे भाव में बैठा है। तो यहाँ पे राहु वैसे छठे भाव का ठीक तो होता है, लेकिन चूंकि अपने नीच राशि का है, वृश्चिक का राहु है, तो कहीं ना कहीं यह स्वास्थ्य को संकट देता है, रोग देता है और अपने विरोधियों से कष्ट देता है। तो यहाँ पे अपने स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सावधान रहना चाहिए। और रही बात जो इनका सवाल है भविष्य का, तो भविष्य इनका बहुत अच्छा है, भविष्य को लेकर के कोई दिक्कत नहीं है। राहु के बाद जब अगली दशा आएगी वह दशा इनके लिए बहुत सही है, बहुत अच्छी है। तो रेनू उम्मीद करते हैं कि आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगली राशि धनु राशि की, जानते हैं क्या कहते हैं धनु राशि के सितारे इस सप्ताह। पंडित जी धनु राशि का राशिफल भी बताएं। धनु राशि के अपने दर्शकों को बताऊं कि इस सप्ताह आपके द्वादश भाव में चंद्रमा गोचर कर रहा है, जिसके कारण से आपको बाहर से सहयोग मिलेगा, खास करके जिनका विदेश से व्यापारिक संबंध है उनके लिए यह सप्ताह बहुत अच्छा रहने वाला है। हाँ, अगर आप कोई यात्रा कर रहे हैं तो ऐसे में अपनी वस्तुओं को संभाल के रखें, चूँकि द्वादश भाव व्यय का स्थान है, खर्च का स्थान है, वहाँ पर चंद्रमा है तो कुछ नुकसान उठाना पड़ सकता है। लेकिन आपकी व्यवसायिक चिंता भी इस सप्ताह जरूर दूर हो जाएगी। सप्ताह के मध्य में इस सप्ताह आप पीपल के वृक्ष को जल दें, भगवान श्रीहरि विष्णु की पूजा करें और हो सके तो गरीब बच्चों को थोड़ा सा मीठा दूध वितरित कर दें, तो निश्चित रूप से आपका यह सप्ताह और सुंदर हो जाएगा और अच्छा हो जाएगा। तो ये था धनु राशि का राशिफल। चलिए आगे बढ़ते हैं, बिना रुके बात करते हैं अगली राशि मकर राशि की, जानते हैं क्या कहते हैं मकर राशि के सितारे इस पूरे सप्ताह, कैसा रहने वाला है इनका राशिफल। पंडित जी मकर राशि का राशिफल भी बताएं। मकर राशि के अपने दर्शकों को बताऊं कि इस सप्ताह थोड़े से अपने संतान को लेकर के मकर राशि के लोग परेशान रह सकते हैं, और भी संतान की शिक्षा की संबंधी समस्याओं को लेकर के। हाँ, जो आपके अधीनस्थ लोग काम करने वाले हैं उनका थोड़ा विश्वास कम करें। लेन देन में भी इस सप्ताह आपको सावधानी रखनी चाहिए, नहीं तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। इस सप्ताह आप शनिवार के दिन काले रंग का कंबल किसी जरूरतमंद को दान करना चाहिए। इसके साथ साथ भगवान शनि का मंत्र, जो कि आपके राशि स्वामी हैं, ओम संग शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का यथा संख्या यथाशक्ति जप करना चाहिए। चलिए अगली राशि की बात करते हैं, बात करते हैं कुंभ राशि की, जानते हैं कैसा रहेगा कुंभ राशि का ये सप्ताह। पंडित जी कुंभ राशि का राशिफल भी बताएं। कुंभ राशि के अपने दर्शकों को बताऊं कि इस सप्ताह कुंभ राशि के लोगों का नया संबंध किसी से बनेगा, जो संबंध लाभदायी सिद्ध होगा भविष्य में। व्यावसायिक क्षेत्र में भी विशेष प्रकार की सफलता का योग इस सप्ताह बना हुआ है। हाँ, व्यवहार कुशलता जो आपकी है, इसी व्यवहार कुशलता के दम पर आप अपनी समस्त प्रकार की समस्याओं का समाधान कर ले जाएंगे। हाँ, इस सप्ताह
थोड़े से उपाय की आवश्यकता है। उपाय क्या करना है आपको, आप किसी दिव्यांग व्यक्ति की थोड़ी सी सहायता कर दें, उसे कुछ आप दान स्वरूप दे दें, ना कुछ हो कोई वस्त्र ही दे दें, कंबल ही दे दें, कुछ उसकी सहायता करें। दूसरा, आप इस सप्ताह शनिवार के सायंकाल में शनि स्त्रोत का पाठ करें। ये दो उपाय करें तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा और आपकी आर्थिक स्थिति काफ़ी मजबूत होगी। सबसे लंबा इंतजार होता है मीन राशि वालों का, तो चलिए बिना रुके बिना कुछ और जाने बात करते हैं अंतिम राशि मीन राशि की, जान लेते हैं कैसा रहेगा मीन राशि वालों का ये सप्ताह। पंडित जी मीन राशि का राशिफल भी बताएं। ये सप्ताह मीन राशि के दर्शकों के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा इसलिए है कि इस सप्ताह इनकी तमाम प्रकार की आर्थिक समस्याएं समाप्त हो जाएंगी और आर्थिक स्थिति काफी अच्छी रहने वाली है। स्वयं के सामर्थ्य से ही आप इस सप्ताह अपनी भाग्योन्नति करने में कामयाब हो जाएंगे, अर्थात इस सप्ताह आपका भाग्य आपके साथ है। आप जो भी योजना बनाए हैं सारी योजनाएं फलीभूत होंगी, आपको सफलता दिलाएंगी। इस सप्ताह आप थोड़ा सा मन से ध्यान लगा करके गायत्री मंत्र का जप करें और धार्मिक पुस्तकों का दान करें किसी पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति को, धर्म से जुड़े हुए व्यक्ति को। तो ये था आपकी 12 राशियों का हाल। 19 फरवरी से 25 फरवरी तक कुछ कुछ ऐसी रहेगी आपके सितारों की चाल, ज्योतिष के मुताबिक ऐसा रहेगा इस पूरे सप्ताह आपका भविष्य। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि हमारे स्टूडियो में आकर हमारे दर्शकों को आपने उनकी राशियों से संबंधित इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी। जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी तो फिलहाल आज के कार्यक्रम में इतना ही, अगले सप्ताह फिर होगी आपसे मुलाकात, आपके सवाल भी लेंगे, साथ ही बताएंगे आपका भविष्य भी उस सप्ताह कैसा रहेगा सितारों के मुताबिक। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्ते।